ओह तबा, मैंने ना माजी गाड़ी की छत पे बैठना है, मैंने उसके गुलाब खाने में नहीं बैठना। अरे भाई 10 मिनट की तो बात है, नाक पे कोई दुपट्टा रख लेना, और गुलाब जो है वो फूलों का बादशाह होता है। रजाई भी रख लेना तो कोई फायदा नहीं होना, बिलीव में। मामा जी पता नहीं किधर रह गए, वैसे इतनी देर लगाते। शुक्र कर, क्या बुला देना है भाई। सॉरी, गाड़ी की चाबी जेम्स के पास होगी। जेम्स का चाबी हमेशा मेरे पास ही होती है शर्म जी, लेकिन आज पता नहीं जेम्स का है। मैं कुछ करता हूँ। गुलाब की खुशबू भी आ रही है और गुलाब वाला कोट भी पहना हुआ है, कितना गुलाबी आदमी है। माजी रिक्शा से चलने हैं। हैं? रिक्शा में मैं कैसे जा सकती हूँ, अच्छे लगूंगी क्या? और किसी ने पहचान लिया तो? बेटा तुम जाओ, कैब का ऑर्डर कर दो। जी दादी। यस। अरे मामू को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, घर तो तू मेरे पास ही आएगा ना। बच ही गया बाबा। हेलो, इट्स टाइम टू गो होम। चले गर्दन नहीं हिलानी, गर्दन नहीं हिलानी, डॉक्टर ने मना किया हुआ है। भूल गया बेटा। भूलना नहीं है ये तो। मम्मी और सनम कहाँ हैं? वो तो घर चली गई, बल्कि मैंने उनको बोला था घर चली जाएं, वो फॉर्मेलिटीज और डिस्चार्ज स्लिप बनाते बनाते टाइम लग जाएगा, मैंने उनको खुद ही कह दिया आप जाएं। तो मम्मी परेशान होंगी? बिल्कुल भी नहीं, वो तो उल्टा हमें तसल्ली देकर गई हैं। वक्त से पहले पैनिक कर जाती हूँ, जब वक्त आता है तो स्ट्रांग हो जाती है। बस यही है दादो का। हाँ सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है, घर चलते हैं। ओ बेटा, कल रोहान ने रात को नाइट स्पेंड किया ना, बड़ा अच्छा ख्याल रखा उसने मेरा, सच अ गुड बॉय। मुझे काम याद आ गया, मैं आता हूँ। ओके। जब भी मैं रोहान की बात करता हूँ ये अनकंफर्टेबल होकर चला जाता है, क्या चक्कर है भाई? नथिंग सीरियस बाबा, आपको पता ही है इसका अजीब सीरियस इमोशनलेस। इसको छोड़े आप चले और गर्दन हिलाए बगैर। अच्छा मैं चेंज कर, चेंज कर लेता हूँ। और केयरफुल केयरफुल केयरफुल। वैसे ना दानिश की तस्वीर देख के ना बड़ी हंसी आती है। ये हमेशा से ऐसी था या अब ऐसा हो गया? हमेशा से ही ऐसी था, लेकिन आजकल कुछ अलग सा हुआ है। तानिया की मंगनी के बाद? अपनी मंगनी के बाद। हाय, उसकी मर्जी की मंगनी नहीं थी क्या? अगर अपनी मर्जी की ना होती तो करता? वैसे ना मुझे इसकी समझ नहीं आती, ये हमेशा से ऐसी था या एक्टिंग करता है? एक्टिंग, वो भी इतनी शानदार। आपने भी तो एक्टिंग छोड़ दी। हाय गुड़िया, शोपीस बन बन के ना मेरा दिल भर गया था। और अल्लाह माफ करे, आजकल जिस किस्म की फिल्में ऑफर होती है ना, इससे तो बेहतर है बंदा किचन में बैठ के कंदूम पीसे। वैसे एहसान अंकल भी रोहान के साथ फिल्म बना रहे हैं। हाय, सिर्फ बर्गर ही देखेंगे ये फिल्म, नॉर्मल लोगों ने नहीं देखनी। हाँ इधर ना लोगों को सनम जी स्टाइल की फिल्म चाहिए। वैसे हो सकता है इसमें मैं कुछ कर लूं, दानिया ने मुझे बहुत अच्छा मशवरा दिया, उसने कहा है सनम जी टीवी ड्रामा नहीं आपने करना, अब वेट करें थोड़ा, क्योंकि जो कम दिखता है ना वही बिकता है, समझी? सही कह रही है दानिया, आप कुछ दिन और वेट कर लें बस। मैं तो वेट कर ही लूंगी। तू मुझे बात बता, तू किस चीज का वेट कर रही है? क्या मतलब? दानिश की तस्वीर पे गौर ना कर।
हेलो, मैंने अभी तुम्हारा मैसेज देखा है, डिलीट हुआ हुआ था। सब खैरियत? मुझे अपडेट करना प्लीज। हरगिज़ नहीं जा सकते। मामा जी, आप ये ज्यादती कर रहे हैं। अगर आपने पैर ही हटाया तो मैं आपके कमरे में सो जाऊंगा। जी तो मेरा चाह रहा था कि मैं तुम्हें घर के अंदर ना दाखिल होने। तुम शुक्र करो कि मैंने तुम्हें घर के अंदर दाखिल होने दिया। और इसके बाद अगर तुमने एक आंख उठाकर भी देखा ना मेरे कमरे की तरफ, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। मामा जी, या क्या कह रहे हैं? आपकी सगी बहन का बेटा हूं मैं। और काम तुम्हारे सारे सके दुश्मनों जैसे। आपको किसने कहा था मजार बनकर अस्पताल पहुंचने को? अगर तुम मेरे वाकई सगे होते ना, तो लाख दुनिया मेरी बुराइयां कर रही होती। तुम अपने इस मामे की ना तारीफ करते। वो मामा ने जो है ना सच बोलना सिखाया। मामा ने सच बोलना सिखाया तो मेरी मामा ने भी मुझे सिखाया है कि दुश्मनों से मैं दूर रहूं। इसलिए आज रात तुम घर से बाहर सोगे। ज्यादा ज्यादा गार्ड रूम में सो जाना। देख लें। हाँ देख लिया है, क्या देखूं? इसके बाद जो भी होगा इसके आप जिम्मेदार हैं। चक, चक, बात करता है। इसके बाद जो कुछ होगा वो उसका तू जिम्मेदार होगा। बताओ। गर्दन नहीं हिलानी। डॉक्टर ने वैसे कहा है कि जो कुछ करना है करें, बस गर्दन नहीं हिलानी। बैठना है बैठे, खड़े होना है खड़े हो, लेटना है लेटे, चलना है चले, बस गर्दन नहीं हिलानी। तो बेसिकली दानिश बन जाए। एग्जैक्टली। याद है सांसा साहब, बड़ी गर्दन हिला हिला के ना मेरी बेस्तियां किया करते थे। अब कहें जो कहना है, बस नेक नहीं हिलानी। सरम जी, मेरी जुबान अभी भी हिलती है। मम्मी कहाँ है? दादू शुक्राने की नफल पड़ी है। और ऑन दैट नोट, आई थिंक हमें बाबा को रेस्ट करने देना चाहिए। बाबा, पापा बगैर गर्दन हिलाए आपने पीछे लेटना है, गर्दन नहीं हिलानी। तुम लोग मुझे इरिटेट कर रही हो, जाओ यहाँ से, मैं खुद ही सो जाऊंगा। जाओ यहाँ से। हाँ, अब बाबा बस आराम से आराम से आराम से आराम से गर्दनी 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 देखे देखे रिवर्स 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 वेरी नाइस शाबाश ओके पाउंड हाई पाउंड हाई पाउंड ओके गुड नाइट लव यू नाइट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तू भाभी से मिलने आया? नहीं नहीं, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। अच्छा, मामा जी ने आपके लिए ये गिफ्ट भेजा है। कह रहे थे कि ये इत्र की बोतल कबूल करें और शुक्रिया भी अदा कर दीजिएगा। और ये भी कहा कि अंगूठी कब भिजवाऊं। क्या कहा? अंगूठी। एड्डी उंदी मजाल। तू ना मुझे चीची के घर अपने साथ ले चल, मैं उसे खुद ही जवाब दे दूंगी, ठीक है? अरे आप तो बहुत जल्दी मान गई। मतलब कि वो ठीक कह रहे थे कि आप भी उनको उतना ही पसंद करते हैं जितना वो आपको करते हैं। ये कहा उसने? मैं अंदर भाभी से मिल के आता हूँ, आप उनको कॉल जरूर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल कैसे हैं? अंकल बेहतर है, अभी सोने गए हैं। ओह चले, मैं फिर कल दोबारा आ जाऊंगा। वो आप अकेले हैं? मतलब वो आपके साथ होती है ना? कौन होती है मेरे साथ? मेरी बिजनेस पार्टनर। यानी कि मेरी मंगेतर? जी जी, आप ही की मंगेतर। टर्की से जो फाइनेंशियल हेल्प आने वाली थी वो अब कैंसिल हो चुकी है, यानी कि हमारी बिजनेस डील भी खत्म। कल से मेरे सिनेमा हॉल में नजर मत आना। जेम्स जी मालिक। ओ भाई, ये बिजली क्यों नहीं आ रही, चेक कर जाके। मालिक वो सारे ब्रेकर निकाल के ले गए साथ। हैं? कौन से ब्रेकर निकाल के चले गए, कौन चला गया? अरे मालिक, वो स्विच बोर्ड में जो कटआउट होते हैं ना, वो फ्रेडी भाई साथ निकाल के ले गए। ये कमबख्त फ्रेडी, ये दफा क्यों नहीं होता ये। सनम जी, शादी तेरी तो। सलाम अलैकुम। चुगताई अर्ज कर रहा हूँ,
ये जुरत कैसे की तुमने? जुरत? जी, वो भी आपके सामने? आपकी हवा तो मैं खुश करती अगर आप मेरे सामने होते। आपके ना सर के साथ मैंने फुटबॉल खेलनी थी। लेकिन मैंने किया क्या है सरम जी? ये जो इतर आपने मेरे लिए भेजा है ना, इसको अपने पास सांभ के रखें, आपके कफन दफन में काम आएगा। मैंने? और उस अंगूठी को अपने गले में फांसी बनाकर डाल लो। सच कह रही हूँ, मेरे सामने भी आए ना तो ची से चीची बना दूंगी। इडियट। अरे हेलो मालिक, गाड़ी में से बहुत गंदी गुलाब के इतर की खुशबू आ रही है, किसी तरह नहीं निकल रही। दफा हो जाए यहाँ से, जान से मार दूंगा। इतर की खुशबू। दानिश क्या हुआ है, ये कोई टाइम है सफाई करने का? अब से यही टाइम है सफाई करने का। लड़के आयो किसी से? काम करने दें आप ही। छोड़ो ना, मैं कर लूंगी संडे को। मुझे बताओ क्या हुआ है। एहसान अंकल तो ठीक है? एहसान अंकल भी ठीक है, माहम और दानिया भी ठीक है, और दादो भी ठीक है। और तुम? दिमाग खराब हो गया मेरा, कुछ नहीं कर सकता मैं, किसी काम का नहीं हूं, और आप जैसे लोग मुझे कुछ काम करने भी नहीं देते। क्या हो गया है दानिश, ऐसा तो नहीं है? सब तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, और अब तो माहम भी तुम्हारे सिनेमा के काम में सपोर्ट कर रही है ना? फिर क्या चाहिए तुम्हें? कुछ ठीक नहीं होगा आप भी। ओके, अगर तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है तो मैं करती हूँ, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं। और बोलो क्या चाहिए? कैसे बताऊं, बात सिर्फ पैसों की नहीं है। लड्डू। जी बाबा। क्या कर रही हो अपने बोरी मिस्टर के साथ मेरे कमरे में बेटा? मैं आज पूरी रात इधर ही रहूंगी, आपका ख्याल रखूंगी। क्यों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो इनफैक्ट अभी सोने लगा था। आई नो, आप सो जाएं, मुझे वैसे भी कुछ काम है, मैं पूरी रात काम करूंगी। देसी मुर्गी का सूप बनाया है, पी लें। तुम्हारे हाथ का सूप, ना भी मरना हो तो पी के मर जाओ। कनाडा में आपके लिए सूप बनाया था, याद नहीं है आपको? तरकीब भी आप ही की थी कि सूप के ऊपर एंड में कच्चा अंडा तोड़ देना, पी लें। कच्चे अंडे का सूप? कनाडा में मुझे फ्लू था, जो तरकीब मैंने तुम्हें सिखाई थी वो फ्लू के लिए थी। कोई बात नहीं, शादी के बाद तुम ये सूप अपने चुगताई को पिलाती रहना। गर्दन तो आपकी हिल नहीं रही, लेकिन मजाक खूब कर लेते हैं आप, चुप करके सूप पिए। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, मैं तो बहुत सीरियस हूँ। बेचारा चुगताई, कि सलमान से तुम्हारे लिए इतरे गुलाब लेके आया वो। अब यूं करो, ये इतरे गुलाब लगा के पूरे घर में फिरती रहो, पूरा घर महक जाएगा। और साथ में ये गाना भी गा लो, ची है फूल मेरे गुलशन का। ये इतर वाली बात इनको किसने बताई? मैंने नहीं बताई, प्रॉमिस। अच्छा सुने, मेरे पास ना अभी भी वो तस्वीर है कनाडा में जिसमें मैं आपको सूप पिला रही हूँ। तंग किया ना तो वो तस्वीर इंस्टाग्राम पर लगा दूंगी। बाबा जल्दी से ये सूप पी ले, वरना आपकी पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे चली जाएंगी। इसके हाथ का सूप में मर के भी रख ले। अच्छा लग रहा है वैसे सूप। तू है फूल मेरे गुलशन का, तू है चांद मेरे आंगन का, तू है फूल मेरे गुलशन का, तू। वाह जी वाह, तेरा गुलशन तो मैं उजाड़ती हूँ। बड़ा शौक है लोगों की बातें सुनने का तुझे, है? क्या हुआ सनम बीबी, आपका मूड खराब है? इस गाने का आइडिया तुझे कैसे आया ये तो बता जरा। वो आप जरा मेरी शक्ल देखें। ऐसे नहीं, गौर से देखे ना, आपको नहीं लगता मेरी शक्ल फिल्म स्टार जेबा से मैच मारती है? बड़ी आई तो जेबा आपा दी फैन। इधर आ। इतर वाली बात किसने बताई है साहब को? लो जी, वो तो पूरे मोहल्ले तक उसकी खुशबू गई थी, तो आपको नहीं लगता उन तक भी पहुंची होगी? मेरे साथ ना ये चलाकियां नहीं चलने वाली, ठीक है? जासूसियां बंद कर ले, वरना मैं ना तेरी गुत काट देंगी, समझ आई? बीबी जी, इतने बड़े बड़े इल्जाम ना लगाए मुझ पे। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये मामा जी का नाम सुनते ही आपके चेहरे पे ये जो हजार वॉल्ट की रौनक आती है ना, वो पूरी दुनिया ने ना अपनी आंखों से देखी है। हाँ नहीं तो, और एक और बात मैं आपको बता दूं। हाँ बता बता। उस दिन किचन में उन्होंने जो बात मुझे बताई थी ना, वो भी मजाल है जो मैंने किसी को भी जाके बताई हो।
किचन में भी घुस गया था। हाँ उस दिन आपने मुझे जो जोड़ा दिया था ना वो पहन के मैं किचन में काम कर रही थी, मतलब मैं ऐसे फ्रिज के पास खड़े होके काम कर रही थी, तो उनको लगा कि आप हैं, तो वो आए पीछे से। और देखिए जी मेरी आदत नहीं है इधर की उधर करने की। चम्मा क्विक क्विक दस 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 दे। देखे लमिया ये मुझे मजबूर कर रही हैं, आप मेरी बात समझे, मेरी आदत नहीं है बतूने की। चल दस। वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपका चक्कर एहसान भाई के साथ तो नहीं चल रहा, और तूने बता दिया। मैंने बताया ना आपको मेरी आदत ही नहीं है इधर की उधर करने की, मैं क्यों। अच्छा ऑफ कोर्स ओके बड़ी आई मामा जी। देखूं तुझको मेरा सवेरा हो जाए, रातों का ये दूर अंधेरा हो जाए। जाने कब से भटका फिरता हूँ, आँखों में तेरी मेरा बसेरा हो जाए। सामने तू हो तो क्या नजारा चाहिए, सारी तेरी बातें लिख लेता हूँ, जब तू ना हो इनको पढ़ूं। दिल की किताब के हर एक सफ़े को तेरी तारीफों से मैं भरूं, दिल में थोड़ी दे दे जगह। जो मेरा है वो सब तेरा हो जाए, मैं तेरे रंग रंग जाऊं तुझे अपना बनाऊं, डूब जाऊं तो तेरा सहारा चाहिए, तारे सारे तोड़ कर तेरे पास मिलाऊं। डूब जाऊं तो तेरा सहारा चाहिए, तेरे ख्यालों में ही रहने लगा हूँ मैं, बहती हवाओं में बहने लगा हूँ मैं। तू ही सफर मेरा तू हम सफर भी, सारी दुनिया से ये कहने लगा हूँ मैं तेरे रंग रंग मैं तेरे संग संग मैं तेरे रंग रंग। दानिश क्या हो गया? अभी कब से कॉल कर रहा हूँ, सो गया था क्या? नहीं बंगला डाल रहा था। अच्छा कौन से गाने पर? भाई ये कोई वक्त है फजूल बकवास का, सुबह के 6 बज रहे हैं। सुन यार एक मशवरा चाहिए था। भाई
खुदा के लिए मुझे सोने दे, मैं उठ के आपको। यार भाई मुझे लगता है मुझे वो अच्छी लगने लगी है यार। ओ प्लीज, आई एम सीरियस यार, मुझे से शादी करनी है। फिर उसके मैं लूंगा अलग से पैसे। लालची इंसान, आगे ना अपनी औकात पर, एक तरफ से अपने दिल की बात कर रहा हूँ, तुझे अभी तक पैसों की पड़ी हुई है? ले ले पैसे, भिजवा दूंगा मैं, है मेरे पास। क्या बात है, बड़े सखी बन रहे हैं, मंगनी तो हो चुकी। यार लेकिन मेरा दिल अजीब मुश्किल में फंस गया हूँ यार मैं। दिल का भी ना आप अचार बना लें, आपका भी कोई दीन और ईमान नहीं है, अब करना क्या है? फिल्म को मना कर दूं? ओह होश करें, फिल्म को किस तरीके से डिले करवाएं? मैं मामा पापा को कहता हूं कि जल्दी से डेट फिक्स कर दें। यस। यार लेकिन बात सुन, दानिया ने मंगनी सिर्फ अपने अब्बू की वजह से की है और शादी भी उनकी वजह से ही करेगी। हाँ तो खैर है, मसला क्या है? मसला ये है कि वो मौका देखकर इनकार कर देगी, यही तो डिसाइड हुआ था हम दोनों के बीच में। हैं? क्या तय हुआ था? मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। गुड नाइट। The best daughter in the world, huh? उठ गए बाबा? ना आ, 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 लेटे रहे, आपको पता है आपके डॉक्टर ने मना किया है हिलने से? It's not good for you, and you are the cutest father in the world. अगर मैं cutest dad होता तो तुम उससे खफा तो ना होती? खफा कौन है? कोई भी खफा नहीं है। झूठा लड्डू। झूठा नहीं, सच्चा लड्डू। तुम्हें रोहान पसंद नहीं आया? पापा उसने शुरू में जो हरकतें की थी ना, उसकी वजह से वो मुझे बड़ा वियर्ड सा लगा, बट फिर तुमने उससे मंगनी कर ली? क्योंकि पापा मुझे पता है आपने और दादू ने मेरे लिए जो भी फैसला किया है वो मेरे हक में बेहतर होगा, एंड आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, लेकिन एक झूठी सी शिकायत है। क्या? बाबा मुझे लगा जब मेरी फिल्म मेकिंग की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो आप मुझे मेरा क्राफ्ट, मेरा आर्ट प्रूफ करने का एक चांस देंगे, लेकिन उसके फौरन बाद आपने मेरी शादी तय कर दी। बेटा जब मैंने इस ट्यूमर का सुना तो मैं पैनिक कर गया, मैं ऑपरेशन से डर गया, मैंने सोचा कि तुम्हारी शादी इस ऑपरेशन से पहले हो जाए, खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। खैर अब तो बायोप्सी की रिपोर्ट भी आ गई है, देखते हैं क्या होता है। I owe you an apology. मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, तुमसे परमिशन लेनी चाहिए थी, मैंने तुम्हारी शादी ऐसे ही डिसाइड कर दी। कोई अपॉलॉजी की जरूरत नहीं है, क्या हो गया? नहीं बेटा, it was wrong. बिल्कुल नहीं, मुझे पता है कि आपने और दादू ने मेरे लिए जो भी डिसीजन लिया है उससे बेहतर डिसीजन हो ही नहीं सकता। Love you. तो ताई। जी आपा। फ्रेडी को क्या पहली दफा देख रहे हो? पापा हम पे तो आप बहुत सख्ती किया करती थी, लेकिन क्या कभी आपने उन्हीं नजरों से अपनी औलाद की तरफ देखा? मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि आजकल फ्रेडी किसके साथ सुबह 6 बजे तक फोन पे बात कर रहा होता और बिना बताए गाड़ी में पता नहीं किसको लेके घूम रहा। माशाल्लाह मुबारक हो बेटा, बड़ा हो गया। फ्रेडी भाई साहब, ये क्या सुन रही हूँ मैं? मामा जी मजाक ना किया करें, आपको पता है ना कि मामा हर बात सीरियस ले लेती हैं। ये तो बड़ा अच्छा होगा अगर मामा इस बात को सीरियस ले ले, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है। आपा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन दोनों लड़कों की शादी एक साथ कर दें, टाइम भी बचेगा और पैसा भी जाया नहीं होगा। फ्रेडी मेरी तरफ देखो, अरे मेरी तरफ देखो, चुपता है क्या कह रहा है?
सुनो ना, अब सैमसंग गया तुम्हें? बोलो। भाई की कॉल आई थी, कह रहे थे उनकी फिल्म की स्क्रीनिंग बहुत अच्छी गई है और अब वो वापस आना चाहते हैं। हम सबको मिस कर रहे हैं। झूठ बोल रहा है ये, शक्ल देखे इसकी। और हाँ, वो कह रहे थे कि उनकी शादी की डेट जल्द से जल्द फिक्स कर दें। अरे तुम ये कौन हो कि हमारी दुआएं कबूल हो गई? अरे रिजवान, देखा आपने, आप ऐसे परेशान हो रहे थे, रोहान जल्दी शादी नहीं करेगा, मानेगा नहीं, हमारा मसला हल हो गया। अब मैं जाके बीजान से बात करूंगी और अब तो एहसान भाई भी वापस आ चुके होंगे घर। परफेक्ट। वैसे तो सब ठीक है, आई मीन रोहान इतना बुरा भी नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट, एक प्रॉमिस कर। क्या? मंगनी, मोहब्बत, शदीद मोहब्बत। एक्टिंग? ऑफ कोर्स। बात की बात करेंगे। ये जबरदस्ती का रिश्ता मुझे नहीं समझ आ रहा। नेवर माइंड। मामा जी की बर्थडे है, 90 कैंडल्स तो चाहिए होंगे, इनसे तो काम नहीं चलेगा। खबरदार, हमारे घर में कोई हराम काम नहीं होगा। और ये जो फजूलियात होती है ना सालगिरह वगैरह की, कोई एक सच्चा नहीं होगा। बात करता है। मैं समझ गया, इस घर में अब लाइट नहीं जलेगी। वो क्यों? क्योंकि मामू चाहते हैं आज के बाद से कोई ना पंखा चलेगा ना बत्ती। छड़छड़ क्या हो रही है, क्या लेके आया? महीने का सौदा, आटा चावल और कुकिंग ऑयल गाड़ी में। पागल वागल तो नहीं हो गए तुम? इतना सारे सामान कितने का आएगी? अच्छा लगाई है। हेम्स, चालीस? मामा जी मैंने दिए हैं पैसे, क्या हो गया? अरे भाई तू चला क्यों नहीं जाता यार? जब से तू आया 40 का हिस्सा मेरे साथ जुड़ गया। 40,000 पहले बिल आया घर का, उसके बाद 40,000 बिल आया मेरा बिजली का, अब तू 40,000 का सामान ले आया। यार यार तू मुझे उठा ले, यार इसे उठा ले, क्या है तू? रेडी? दानिश, अपने लिए बना रहे तो मेरे लिए भी कुछ बना लेते। बना ही रहा, 7 अंडे भी बॉइल कर दिया है। यार मेरी वाली ले लेना, ये मुझे दे दो, मेरे सर में बहुत दर्द है, आज मुझसे कोई काम नहीं होगा। मेरा इस वक्त उससे बात करने का मूड नहीं हो रहा। बिजनेस, मार्केटिंग, स्ट्रेटजी, प्रॉफिट लॉस, इन सब के अलावा कुछ होता ही नहीं उसके पास बात करने को। अच्छा तो माहम का फोन था। दानिश मेरी जान, मेरे भाई, माहम बहुत अच्छी लड़की है, तुम लोग बचपन से लड़ते आए हो और वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज करती है, पता है ना तुम्हें, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अंदर ही अंदर उसको दानिया से कंपेयर कर रहे हो। देखो कोई ज्यादती मत करना उसके साथ और ना ही अपने साथ, मैं हूं इधर अभी। फ्रेडी तुम ब्यूटीफुल। क्या अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग है ना, तुम सुबह सुबह इधर कैसे आ गए? मामू की गाड़ी फाइनली हाथ लगी, मैंने सोचा आपको पिक कर लूं। मगर मैं तो आज काम पे नहीं जा रही, इनफैक्ट अब शायद काम हो भी ना। तो कॉफी पीने चलें? कॉफी तो मैं पी चुकी हूँ। दोबारा पीने में कोई पाबंदी है? फ्रेडी मैंने कहीं जाना है। वैसे कहाँ जा रही है? दानिश के घर, तुम चलोगे? बिल्कुल नहीं, इससे बेहतर मैं घर जाके सो जाऊँ, चलो वहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं थैंक यू, मैंने उसके बाद कहीं और भी जाना है। तो उधर भी ले जाऊँगा। मैंने बाबा से तुम्हारे बारे में बात की है, वो मिलना चाह रहे हैं। शादी का फैसला कर लिया तुमने? रेडी मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत के साथ साथ ना दिमाग भी खराब हो गया। दो हमारी बाबा ठीक कर देंगे, मिलोगे? बिल्कुल नहीं, मैं ये खूबसूरत सुबह तबाह नहीं करना चाहता। वैसे क्यों मिलना चाहते हैं? मुझे काम है तुमसे। आपने कोई शिकायत लगाई मेरी? अब तो लगाऊंगी। आप जाए दंगाबली के घर, मैं जा रहा हूँ अपने घर। सी या। अबू रियली वांट्स टू मीट यू फ्रेडी सम अदर टाइम।
बाय। इतने दिनों से मिली ही नहीं, बिजी हो क्या? जी बस दानिश फोन क्यों नहीं उठा रहा? दानिश का तुम्हें पता है हर बात पे अपसेट हो जाता है, उसका टर्की वाला प्लान कैंसिल हुआ है ना, तो कमरे में अपने आप को बंद करके बैठा हुआ है। ओ, बस यही बात है ना? हाँ यही बात। मेरा फोन साइलेंट पे था, अभी देखी तुम्हारी और राजू की कॉल्स। दानिश, फ्रेडी हैज अ प्लान बी टू। नहीं चाहिए मुझे कोई प्लान बी, तोड़ दो मेरा सिनेमा हॉल और बना लो अपना शॉपिंग मॉल, सब कर लो अपनी अपनी मर्जी, पहले वो रोहान और अब वो फ्रेडी। What? यार, leave him. Give him some time, वो ठीक हो जाएगा। आओ कॉफी पीते। हाँ, नहीं और बताओ, जो आप कैसी जा रही है? एहसान साहब, आप अपने रूम से बाहर क्यों आ गए? क्या कर रहे हैं? तुम्हें क्या मसला है? मसला तो कोई नहीं है, लेकिन आप ऐसे करके दिखाए ना जरा। ओ, मैं तो मजाक कर रही थी, रुक जाए। मजाक ना, तुम अपने ची के साथ जाके किया करो। एक मिनट बाबा, ये क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर ने मना किया है गर्दन हिलाने से। डॉक्टर ने कहा है अब अपनी गर्दन हिला सकते हैं। डॉक्टर पागल हो गया जो उनको कह रहे गर्दन हिलाए। अच्छा खैर, आप मुझे बताए, आप घर पे कहीं जा तो नहीं रही? हाँ मैं इधर ही हूँ, मैंने किधर जाना है? हाँ हाँ बहुत बिजी हैं, अपनी गर्दन के कमालात का मुजाहिरा करने में मसरूफ है ये। सॉरी एहसान साहब, माफ कर दें। अच्छा बताएं, जा तो नहीं रही कहीं? नहीं नहीं, आई एम द हियर टू द। ओके, मैं जा रही हूँ दानिश के घर, उससे कोई जरूरी बात करनी है मैंने। आप प्लीज घर पे रहिएगा और प्लीज बाबा का ख्याल रखें, आप देख रही हैं वो क्या हरकतें करना शुरू। हाँ सनम इज हियर, डोंट। मैं बहुत टेंशन लेना शुरू हो जाऊं। स्टे हियर, ओके? थैंक यू सनम, बाय बाय बाय। एहसान साहब, हेलो, कहीं जा रही हो? दानिश का दिमाग ठीक करने जा रही हूँ। मेरा भी ठीक कर दो। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें बाय बोले बगैर वापस आ गया। तुम वापस चले गए हो? एक्चुअली मुझसे किसी को खुदाफिज नहीं बोला जाता। It's okay, I understand. तुम्हारी फिल्म की स्क्रीनिंग का क्या बना? हाँ हो गई। तुमसे एक छोटे से सवाल का छोटा सा जवाब चाहिए। यस और नो से भी काम चल जाएगा।